बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है 3/2। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले की शेप में लाते हैं। वी नो दैट, हम फार्मूला लिख देते हैं इसका। एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब माइनस थ्री फर्स्ट इंटू सेकेंड ए माइनस बी। आपको अगर फार्मूला ए माइनस बी की शेप में आता है तो आप ऑलरेडी इसको आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं देखें फार्मूला आपको ए की शेप में लिख रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए की जगह पर x लिखते हैं और b की जगह पर 1 ओवर x में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है 3/2। इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यूब है, इसका क्यूब लगा दें। x क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब हमने फाइंड करना है। माइनस 3 x और x कैंसिल हो गए। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू गिवन है 3/2। इसको इधर पुट कर लें, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो रिज़ल्ट आता है 8। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को लिखते हैं 3 3 ज़ार 9 बाई 2। अब कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ जाता है, 27 बाई 8 अपनी जगह पर रहेगा। माइनस 9 बाई 2 है, इसको कांस्टेंट की तरफ जब लाएंगे तो साइन चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब इसको वैसे का वैसे रहने दें। 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 8। 2 को 8 पर डिवाइड करें तो 4 आता है, और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, प्लस 8 को 8 पर मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आता है 1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 आता है। 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 8। एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को लिखते हैं। 27 में प्लस कर लें 36, तो रिजल्ट आता है 63/8। ये हमारा आंसर है। आप इसको होल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर भी आंसर करेक्ट है।